नमस्कार साथियों, मैं अरविंद सिंह आपका बहुत स्वागत करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो ये मेरी लेखपाल भर्ती की परीक्षा का पांचवी क्लास है। ये मेरा पांचवा वीडियो है, क्लास फाइव का पांचवा वीडियो। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें एवं उनके रोग। साथियों, पढ़ाने के पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों में ये चर्चा आपने सुनी होगी कि यूपी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्तियों पर रोक लग गई, नए पदों के सृजन पर रोक लग गई। तो कहीं न कहीं कुछ तैयारी करने वाले छात्र जो विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, यूपीएसआई की, यूपी कांस्टेबल की, एसएससी की या अन्य वनडे एग्जाम की या लेखपाल भर्ती परीक्षा की, उनके मन में ये संशय हुआ, उनको ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये भर्ती होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि लेखपाल भर्ती 2020 का विज्ञापन अपने समय पर आएगा। समय में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लॉकडाउन या कोरोना महामारी की वजह से, और यह परीक्षा इसी वर्ष परीक्षा भी होगी, इसी वर्ष इस परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा। साथियों, लेखपाल भर्ती के बारे में मैंने जब पहला वीडियो डाला था आपको बताया था 15 से 20 मई के आसपास, 15 से 20 मई के बाद विज्ञापन आएगा। सितंबर से लेकर अक्टूबर में इसकी परीक्षा होगी। साथियों, ये जो विज्ञापन है जो 15 से 20 मई को आना था, यह विज्ञापन थोड़ा लेट होगा। विज्ञापन जो आएगा, इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, इसके जो फॉर्म आएंगे वो जा करके जून माह में आएगा। थोड़ा विलंब हो गया है, ये 10 से 15 दिन डिले हो गया है। जून माह में विज्ञापन आएगा और परीक्षा भी आपकी अब जो है वो लास्ट अक्टूबर तक जाएगी। मतलब आपके पास समय वही 3-4 महीने का लगभग समय आपके पास है और आपको लेखपाल भर्ती तैयारी करने का पूरा मौका है। यह परीक्षा होगी, लेखपाल भर्ती 2020 की परीक्षा होगी। नए पदों का सृजन नहीं होगा, नई भर्तियां नहीं निकलेंगी, नया नोटिफिकेशन, नया विज्ञापन या लेखपाल भर्ती पेंडिंग, ये 2019 की पेंडिंग भर्ती है और 2019 में ही इसका नोटिफिकेशन निकाला जा चुका है। ध्यान दीजिएगा, कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जो नोटिफिकेशन निकाले जा चुके हैं वो भर्तियां पूरी की जाएंगी। इसलिए लेखपाल भर्ती 2020 की परीक्षा और यह भर्ती इसी वर्ष संपन्न होगी। अन्य नए विज्ञापनों पर, नए नोटिफिकेशन पर, नए पदों के सृजन पर रोक लगी है। ध्यान दीजिएगा, नए पदों के सृजन पर रोक लगी है। इसकी वास्तविक लाइन ये है, नई भर्तियों पर रोक का मतलब नहीं। अगर आप ध्यान दें, 69,000 अध्यापकों की, प्राइमरी अध्यापकों की भर्ती वो अनवरत चल रही है, कोई रोक नहीं उस पर। उसके आवेदन हो रहे हैं, उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका रिजल्ट, उसकी सारी प्रक्रिया, सारा प्रोसेस चल रहा है। तो इसी तरह से लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन 2019 में ही निकाला जा चुका है, यह भर्ती भी अनवरत चलती रहेगी। नए पद के सृजन, नए विज्ञापन वो अब इस वर्ष नहीं होंगे। हालांकि तैयारी करने वाले छात्र बिल्कुल भी निराश ना हो, क्योंकि 2022 में यूपी सरकार का चुनाव होना है और उसके पहले सरकार तमाम तरह की भर्तियों को कंप्लीट करेगी, तमाम तरह के जो विभागों में पद खाली है उनको भरेगी। तो हो सकता हो कि इस वर्ष 2020 में या इस आने वाले 3-4-6 महीने में नई भर्तियां ना हो, नए वैकेंसीज ना आए, नए पद ना निकले। लेकिन 2021 की शुरुआत में देखिएगा आप, यूपी में बम्पर भर्तियां आएंगी और उन भर्तियों को 2021 लास्ट तक कंप्लीट भी कर लिया जाएगा, क्योंकि 2020 चुनावी साल है। तो इसलिए साथियों, बिल्कुल भी निराश ना होकर के और आप अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखिए। खास तौर से वो छात्र जो लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो बिना रुके बिना थके लगातार तैयारी करते हैं। और इसी बात को मैं क्लियर करके अब सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ। क्लास फाइव का ये मेरा वीडियो, प्रमुख फसलें एवं उनके रोग, ये ग्रामीण विकास। मैंने आपको बताया था कि लेखपाल भर्ती के 4 पार्ट और उस चौथे पार्ट में एक पार्ट है ग्रामीण विकास अथवा ग्रामीण परिवेश, और उसका ये एक अन्य चैप्टर मैं आज आपको लेकर के आया हूँ। अगर आपने देखा हो सिलेबस में, मैंने आपको 9 या 10 चैप्टर लिखवाए हैं और उनमें से एक चैप्टर फसल है, आज ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए साथियों, हेडिंग प्रमुख फसलें एवं उनके रोग। भारत में अगर फसलों की बात की जाए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है। हम मौसम के आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों का उत्पादन करते हैं। इस देश के अंदर ऋतुओं के आधार पर अगर फसलों का वर्गीकरण किया जाए तो तीन तरह का वर्गीकरण किया गया है, तीन तरह का डिवाइडेशन किया गया है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ये आपको
ये तीन अलग अलग सीजन में एक वर्ष के अंदर ये तीनों अलग अलग सीजन की फसलें बोई जाती हैं, इनका उत्पादन किया जाता है। अब कौन सी फसल किस माह में किस सीजन में बोई जाती है, आज के चैप्टर में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। कौन से रोग होते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखिए, आप सबसे पहले हम करते हैं खरीफ की फसल, उसके बाद रबी की फसल और उसके बाद जायद की फसल। खरीफ की फसल से शुरुआत करने का मेरा मतलब है, मैंने आपको बताया था कि भारत में कृषि वर्ष की जो शुरुआत होती है वो 1 जुलाई से शुरुआत होती है और 30 जून पर ख़त्म होती है। तो जुलाई का मौसम जो है होता है, वहाँ से खरीफ की शुरुआत होती है। कृषि वर्ष की शुरुआत तो खरीफ की फसल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि खरीफ की फसल का जो बोने का समय है, जो इसका सीजन है, वो जुलाई का, माफ कह लीजिए आप, जुलाई से ही हम खरीफ फसल की, जून जुलाई से ही खरीफ की फसलों की खेती की शुरुआत करते हैं, इसीलिए खरीफ की फसल को पहले क्रम में रखा है मैंने। अब खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती हैं, ये मैंने एक चार्ट बना दिया है, आप नोट कर सकते हैं। एक साथ इतनी फसलें आपके सामने हैं तो बिना डाउट और बिना कन्फ्यूजन के आप इन चीज़ों को उतार सकते हैं, कहीं भी आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तमाम तरह की किताबों, तमाम तरह के स्रोतों से ये सारी फसलों को मैंने इकट्ठा किया है, क्योंकि जब भी आपसे अगर कोई पूछे आप रबी की फसल बताओ तो आप 1, 2, 3, 4, 5 बताओगे, फिर रुक जाओगे। खरीफ की फसल 2-4 फसल बता के आप रुक जाओगे। यहाँ पर एक अंबार लगा हुआ है फसलों का। अब देखिए, अगर खरीफ की फसल की बात की जाए तो सबसे प्रमुख धान यानी चावल, धान से हम उत्पादन करते हैं चावल, एक महत्वपूर्ण फसल जो है धान की फसल, वो खरीफ के मौसम में बोई जाती है। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, सूरजमुखी, मूंग, ये दलहनी फसल है मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, सनई, ये रस्सी, ये सनई की खेती की जाती है भारत के कुछ विशेष क्षेत्रों में, इससे रस्सी का उत्पादन होता है। ढैंचा एक महत्वपूर्ण फसल, ढैंचा खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। जूट, ये भी खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। तो ये खरीफ की फसलें हैं प्रमुख। आगे बढ़ते हैं, रबी की फसल की बात करते हैं। रबी की फसल में प्रमुख रूप से सबसे इम्पोर्टेंट आपका है गेहूं की फसल। ये देखिए आपका सबसे ऊपर ही है गेहूं के बाद अगर आप बात करिए, देखिए आगे जौ, सरसों, चना, मटर, आलू, लाही भी एक प्रकार की तिलहनी फसल है, सरसों की तरह होती है लाही। अलसी, ये भी तिलहनी में आता है, तिलहन में आता है अलसी। बरसीम, ये एक तरह से चारा है, जानवरों का चारा है, इसकी भी बरसीम की भी बुआई खेती रबी की फसल के अंतर्गत आता है बरसीम। तंबाकू, तो ये एक चार्ट है रबी की फसलों का, ये चार्ट था खरीफ की फसलों का। आगे बढ़ते हैं, जायद की फसल देखिए, इसके अंतर्गत आता है तरबूज, इसके अंतर्गत आता है ये देखिए आपका खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी, करेला, कद्दू, अन्य सब्जियाँ, ये जायद की फसलों का चार्ट है साथियों। ये जो हम फसलों का अध्ययन आज कर रहे हैं, आप देखेंगे फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है, फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमी कहलाता है। एग्रोनॉमी के अंतर्गत हम फसलों का अध्ययन करते हैं, उनकी बुआई के बारे में, उनके विकास के बारे में, उनके रोग के बारे में, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम कहाँ करते हैं, एग्रोनॉमी, AGRONOMY एग्रोनॉमी कहलाता है साथियों। ये एक चार्ट जो कि आपके सामने, भारत के अंदर तीन अलग अलग मौसम में बोई जाने वाली फसलें, और ये आप इसको उतार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको हम बताएंगे ये फसलें किस माह में बोई जाती हैं और क्या इनकी कैटेगरी होती है, कब ये काटी जाती हैं, कैसे तैयार होती हैं, इनके रोग क्या होते हैं, हम अब आपको वीडियो में ले चलते साथियों। आगे बढ़ते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। ये देखिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल का बुआई का समय और कटाई का समय। आप बात करेंगे अगर रबी की फसल की, तो रबी की फसल की बुआई का समय देखिए आप, अक्टूबर और नवंबर माह में इनकी बुआई की जाती है जाड़े के मौसम में। रबी की फसलें जाड़े के मौसम में बोई जाती हैं, जबकि खरीफ की फसलें बारिश, वर्षा के मौसम में बोई जाती हैं, ये ध्यान रखिएगा। बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर में बुआई की जाती है, और कटाई, रबी की फसलों की कटाई कब होती है, मार्च से अप्रैल माह में इनकी कटाई होती है, ये फसलें तैयार हो जाती हैं। ठीक, खरीफ की फसल की बात की जाए, इनका बुआई का समय जून से जुलाई, बारिश का समय, और कटाई, ये फसलें तैयार कब होती हैं, सितंबर से अक्टूबर माह में, इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में कर ली जाती है। ठीक, आगे देखिए, जायद की फसल, बुआई इनकी अप्रैल, कुछ इलाकों में अप्रैल के शुरुआत में, कुछ इलाकों में अप्रैल के मध्य में, कुछ इलाकों में अप्रैल के लास्ट में, कुल मिला के लगभग अप्रैल माह में इनकी बुआई की जाती है। और ये जायद की फसलें 1 से 1.5 माह में तैयार होती हैं, ये 1 से 1.5 माह, अधिकतम अगर किसी विशेष क्षेत्र की बात की जाए तो 2 माह लगता है इनकी पैदावार में। तो बुआई करते हैं अप्रैल में और कटाई
मई से जून, ये देखिए कटाई इसी कब होगी आपकी, मई से जून में इनकी कटाई होती है। मई से जून में ये जायद की फसलें तैयार हो जाती हैं। आपने देखा होगा जायद की फसलों को मई में ही आपके ये तरबूज, मई मई लास्ट तक तरबूज, ककड़ी, खीरे ये सब मार्केट में आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया बुआई और कटाई। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तीन तरह की फसलें कौन कौन सी थी मैंने आपको अभी उसके पहले दिखाया, अब ये इनका बुआई का समय हो गया, ठीक। तो आपको ये बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। अब आपको कुछ अहम बिंदु मैं बता रहा हूँ, ये आपको नोट करने होंगे पॉइंट टू पॉइंट। आपको मैं कुछ पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम से, जिनका एग्जाम से सरोकार है, जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं या पूछा गया था पिछली परीक्षाओं में, वहाँ से मैं आपको ये 8-10 पॉइंट लिखवाता हूँ। उसके बाद सीधे मैं आपको फसलों और उनके रोग पे लेके आता हूँ, ठीक। ये देखिए पहला पॉइंट देखिए, भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल चावल है, ये पूछा जाएगा आपसे, पूछा भी गया है बहुत परीक्षाओं में, आईएएस से लेकर के एसएससी सीजीएल की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल चावल है, ध्यान दीजिएगा, गेहूँ नहीं, चावल। और भारत ही नहीं, दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्र पर उत्पादन होने वाली, पैदावार की जाने वाली फसल कौन सी है, तो चावल है, ठीक। नेक्स्ट अगला, प्रदेश में 7 बीज विश्लेषण केंद्र हैं, ध्यान दीजिएगा। हम भारत पहले तो परंपरागत बीजों से ही उत्पादन करता था। 1967 के दौरान जब भारत में हरित क्रांति आई तो हमने कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी, उन्नत साधनों का प्रयोग किया, ट्रैक्टर इंडस्ट्री आई, खाद इंडस्ट्रियाँ आई, तमाम तरह के बीजों को, और जो हमने बीजों में प्रयोग किया, आपने सुना होगा जो है संकर बीज, यानी कि हाइब्रिड बीज का, हाइब्रिड बीज, बीजों की उन्नत किस्म, बीजों की एक नई किस्म तैयार करना, ठीक। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे 7 बीज विश्लेषण केंद्र हैं, प्रदेश में 7 बीज विश्लेषण केंद्र हैं, ध्यान रखिएगा, कितने हैं, 7। नेक्स्ट अगला देखिए, प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था, आप कोई भी बीज किसी भी कृषि विश्वविद्यालय में या कोई भी किसान अगर बीज तैयार करता है और उस बीज की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसके लिए जैसे होता नहीं आप कॉपीराइट होता है साहित्य के लिए, पेटेंट होता है, उसी तरह से बीजों को भी प्रमाण पत्र, बीजों की भी प्रमाणीकरण संस्था, प्रदेश की बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये देखिए उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये कहाँ है, तो मलिहाबाद, ये लखनऊ के पास एक स्थान है मलिहाबाद, लखनऊ जिला, उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था, ये कहाँ है, मलिहाबाद लखनऊ में है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013, ये देखिए उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 क्रियान्वित है। यह 7 क्षेत्रों पर आधारित है, कितने क्षेत्रों पर, 7 क्षेत्रों पर, यह 7 क्षेत्रों पर आधारित है जिन्हें सप्तक्रांति कहते हैं, ये ठीक है। तो सप्तक्रांति हमारी कृषि नीति की पॉलिसी है, सप्तक्रांति, और सप्तक्रांति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में हम कृषि को 7 क्षेत्रों में डिवाइडेशन किया, हमने सरकार ने किया है डिवाइडेशन, और उन 7 क्षेत्रों के अंतर्गत पूरे प्रदेश की कृषि व्यवस्था को देखा जाता है, ठीक। ये है, ऐसे ही आपको हम कुछ और टॉपिक आगे लिखवाते हैं, आपके साथ वीडियो बने रहिए साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपका ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपको नोट करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक देखिए, उसके जो अभी आपने इसके पहले देखा उसके आगे हम बढ़ते हैं। जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन हुआ, जनवरी 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग, इस देश के अंदर राष्ट्रीय कृषक आयोग अथवा राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ, 2004 में हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सोमपाल। राष्ट्रीय कृषक आयोग इस देश में कार्य करता है, 2004 में गठन, पहले अध्यक्ष सोमपाल। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषक नीति कब बनी, तो राष्ट्रीय कृषक नीति वर्ष 2007 में बनी, नई राष्ट्रीय कृषक नीति, वर्तमान में राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 ही लागू है, तो राष्ट्रीय कृषक नीति वर्ष 2007 में बनी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा यूपी के अंतर्गत हम आते हैं, उत्तर प्रदेश में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं, ध्यान दीजिएगा, यूपी में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। साथियों ये फसलों का चैप्टर है, इसके बाद में महत्वपूर्ण कृषि का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उसमें कृषि से संबंधित सारे आंकड़े आपको दूंगा, ठीक है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है, गन्ना है, ठीक है ना। देखिए गन्ने को हम व्यावसायिक यानी व्यापारिक तौर पर इसकी बुआई करते हैं, गन्ने की खेती जहाँ भी की जाती है व्यापार, पैसा कमाने के उद्देश्य की जाती है, इसीलिए लिखा है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल, नकदी का मतलब नगद, गन्ने की खेती करेंगे, उस गन्ने की खेती को तैयार करेंगे, गन्ने को बेचेंगे मार्केट में, पैसा प्राप्त करेंगे। गन्ना, हम गेहूं, चावल का उत्पादन करते हैं,
तो ये खाद्य फसल है, इनका हम खाने के लिए उत्पादन करते हैं, लेकिन गन्ने का उत्पादन हम स्पेशली किस लिए करते हैं? विशेष तौर पर गन्ने का उत्पादन हम पैसे के लिए, नकद पैसा पाने के लिए करते हैं। तो नकदी फसल कमाई का जरिया, ठीक, नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। इसी तरह से अगला टॉपिक देखिए आप, जूट हो गया आपका, कपास हो गया आपका, तंबाकू हो गया आपका, गन्ना, ये देखिए गन्ना, जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना, ये सब क्या है? व्यावसायिक फसलें हैं, यानी पैसा कमाने के उद्देश्य, धन कमाने के उद्देश्य हम जो है इन फसलों का उत्पादन करते हैं। इनको व्यावसायिक, इनको हमने तुरंत उत्पादन किया, तुरंत मार्केट में सेल किया और पैसा प्राप्त किया, ठीक है, ये है व्यावसायिक फसलों के अंतर्गत ये फसलें आती हैं। गन्ने के बीज शोधन हेतु एल्गाल दवा का प्रयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पशुधन प्रसार अधिकारी, ये परीक्षा हुई थी 2007-2008 में, पशुधन प्रसार अधिकारी की वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, गन्ने के बीज शोधन हेतु कौन सी दवा? एल्गाल, ध्यान दीजिएगा, गन्ना यूपी की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल, और इसीलिए गन्ने के लिए ये टॉपिक मैं यहाँ पे आपको जरूर, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एल्गाल दवा का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट, फसलों में तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं, उन तमाम तरह के कीटनाशक होते हैं, तो उसमें ये आपका पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, फसलों में विषैले प्रभावों को दूर करने वाली औषधियाँ, तमाम तरह की औषधियाँ बनती हैं, तमाम तरह की कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं, उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? फसलों में विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधियों को एंटीडोट कहते हैं। एंटीडोट, आपको ऑप्शन आएगा एंटीडोट, एंटीबायोटिक, इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो क्या कहते हैं? एंटीडोट, उन सभी दवाइयों को क्या बोला जाता है? एंटीडोट कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़िए, झूमिंग खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना भी होगा झूमिंग खेती। झूमिंग खेती क्या है? आपसे कोई पूछे कि झूमिंग खेती किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, झूमिंग खेती के अंतर्गत जंगलों को, जंगल या वन, जंगलों को काटकर या जलाकर खेती योग्य भूमि बनाना होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? तो झूमिंग खेती के अंतर्गत जंगलों को काटकर या जलाकर खेती योग्य भूमि बनाना होता है। ऐसे अगर आप देखेंगे एमपी या आप जाएंगे पूर्वोत्तर के राज्यों में, जंगलों को, वनों को काट करके या जला करके जमीन को, उस जमीन, जो जमीन खाली मिलती है उस जमीन पर खेती की जाए, बहुत ही मेहनत का कार्य है। हम अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश या मैदानी इलाके, तो यहाँ हमको, आपको तो बड़ा आराम है, किसानों को बड़ा आराम है, समतल ज़मीनें हैं, खेती कर लेते हैं, लेकिन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जंगल हैं, वन हैं, उनको काटना, उनको, वनों को जलाना, खेती योग्य भूमि बनाना बहुत ही दुष्कर, बहुत ही ये कठिन कार्य है, और इस तरह की खेती करते हैं हमारे ऐसे क्षेत्र के लोग, तो ये झूमिंग खेती का मतलब होता है, जंगल या वन को काट दीजिए, जो जमीन खाली बचती है उस पर आप खेती करना शुरू कीजिए, ये झूमिंग खेती होगी आपका। नेक्स्ट एक देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, रेंचिंग खेती। रेंचिंग खेती ये क्या होती है? तो एक्चुअली ये कोई खेती होती नहीं है, ये एक श्रेणी है, कैटेगरी है। देखिए आगे क्या लिखा है, चारागाह के लिए उगी हुई प्राकृतिक फसल को रखा जाता है। चारागाह, आप देखो घास के मैदान, अपने आप नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो घासें उगाती हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में। अगर आप पश्चिम देशों में जाएंगे तो वहाँ पर पहाड़ों पे बड़ी बड़ी घासें वो अपने आप उगाती हैं। तो चारागाह के लिए उगी हुई प्राकृतिक फसलों को, वो जो प्राकृतिक घासें उगाई हैं उसको किस खेती की श्रेणी में रखा जाता है? उनको कहाँ रखते हैं हम? रेंचिंग खेती की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट है, भारत में सर्वाधिक फसल सघनता पंजाब में है। फसल सघनता पंजाब में है। फसल सघनता का मतलब जो है घनी, कम जगह में ही अधिक फसलें तैयार करना। एग्जाम्पल के तौर पे 10 हेक्टेयर जमीन है तो दसों की दसों हेक्टेयर जमीन पर खेती की जाए पंजाब। और एक कोई ऐसा अपराध ले लीजिए जहां फसल सघनता कम है, तो 10 हेक्टेयर जमीन है, 10 हेक्टेयर जमीन में सिर्फ 6 हेक्टेयर जमीन पर ही खेती की गई है, 4 हेक्टेयर जमीन खाली है, तो वहां पर खाली इलाका भी है। और 10 हेक्टेयर पंजाब में तो 10 हेक्टेयर पर खेती की गई है, यानी फसल सघनता, फसल की यानी घनी, घनी आबादी से बोलते हैं। तो सर्वाधिक फसल सघनता, कम क्षेत्रफल पर भी अधिक फसलें उगाना, कम क्षेत्रफल पर भी अधिक फसलें बोना, ये आपका फसल सघनता के अंतर्गत आता है। और सर्वाधिक फसल सघनता पंजाब राज्य में है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सीधे अंतिम बात पर आता हूँ और बस थोड़ा समय मैं आपको और लूँगा, फसल और उनके रोग के बारे में बताता हूँ, आप मेरे साथ वीडियो बने रहिए साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आते हैं फसल और उनके रोग पर। इस वक्त बोर्ड पर आप रोग और फसल, ये देखिए दो कॉलम है मैंने बनाया है आपको, रोग और फसल, ये रोग है और ये रोग किन फसलों में होते हैं, इधर भी ये रोग लिखा हुआ है और ये रोग किन फसलों में होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आपसे एक या दो प्रश्न हर हाल में पूछा जाएगा, इसको आपको रटना होगा।
फसल और रोग का ये मेरा जो चैप्टर है, एक क्वेश्चन आपको वहाँ से पूछ सकते हैं, रवि खरीफ जायद की कौन सी फसल है बुआई और कटाई की, दूसरा फसल और उनके रोग, यहाँ से तो 100% कन्फर्म है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी अन्य जो टॉपिक मैंने आपको लाइन टू लाइन लिखवाए हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल निचोड़ करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज तक पिछले 10-20 साल IAS से लेकर के किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके सामने मैंने रखी है, आप देखिए। यही इतना, मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ आपको, आप मेरे उस वीडियो को पढ़ लेंगे, उस चैप्टर को, मैं अपने हर वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट करता हुआ जा रहा हूँ, तो आपको वो आप पढ़ते चलिए। एक चीज़ साथियों, ख़त्म करने के पहले मैं आपको और बता दूं, आप ये सोच रहे होंगे कि अभी जो है अरविंद सर ने क्लास 5 ही वीडियो बनाए हैं लेखपाल भर्ती के लिए, ऐसा नहीं है। लेखपाल भर्ती से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी टॉपिक पूछे जाएंगे, उनसे संबंधित 200 वीडियो YouTube पर पड़े हुए हैं। अब आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है, इतिहास का एक चैप्टर है आधुनिक भारत का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें महात्मा गांधी, तमाम तरह के कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, बाल गंगाधर तिलक कौन थे, नेहरू कौन थे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको उस वीडियो में बताई हैं। आप राष्ट्रीय आंदोलन, महत्वपूर्ण क्रांतियाँ, हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, ये सब मैंने आपको बताया है, एक वीडियो पढ़ा हुआ है, हिंदी का वीडियो पढ़ा हुआ है आपको। इस तरह से GS के 10 वीडियो आप समझ लीजिए, हिंदी के जो है 10 वीडियो YouTube पर पड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि आप मेरे वीडियो का इंतजार कीजिए कि अभी क्लास 5वां वीडियो है, अब अगला वीडियो आएगा 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद तो आप पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। उन वीडियो को आप जाइए, महत्वपूर्ण क्रांति का उससे बेहतर वीडियो YouTube पर नहीं है, ये मेरा दावा है। आप उसको पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, राष्ट्रीय आंदोलन आप उसको पढ़िए, कंप्लीट कीजिए, तमाम GS के चैप्टर हैं उसमें आपको। महत्वपूर्ण विश्व के प्रमुख घास के मैदान, ट्रिक के साथ मैंने बताया हुआ है। जैन धर्म के अनुयायी, भारत रत्न पाने वाले प्रधानमंत्री, भारत रत्न पाने वाले राष्ट्रपति, इस तरह के तमाम जो टॉपिक हैं, है? दया मृत्यु क्या है, इच्छा मृत्यु क्या, बहुत सारे टॉपिक हैं, मैं चर्चा करूंगा तो समय बीत जाएगा। आप उन वीडियो को पढ़ते रहिए, मेरे सारे वीडियो देखिए और आप नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। बाकी मैं आपको क्लास 5, क्लास 6, क्लास 10 इस तरह करके वीडियो डालता रहूँगा। स्पेशली पहले मैं ग्रामीण विकास और ग्रामीण परिवेश पूरा कर दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको GS की जो चीज़ें अभी तक मैंने नहीं पढ़ाई हैं, जिन चीज़ों का वीडियो यूट्यूब पर नहीं है, उन चीज़ों को भी मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक। आइए अब आप बिना देर के वीडियो पर देखिए रोग, ये यहाँ से देखिए, ये फेलेरिस माइनर रोग, यह एक रोग है फेलेरिस माइनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही गेहूं का मामा कहते हैं, गेहूं का मामा एक रोग होता है, गेहूं का मामा कहा जाता है, तो उसका वास्तविक नाम है फेलेरिस माइनर, फेलेरिस माइनर यानी गेहूं का मामा रोग। उसके बाद देखिए रष्ट रोग, टुंडू रोग, करनाल बंट रोग, रतुआ रोग, सेहू रोग और कंडुआ रोग, ये रोग किस फसल में होते हैं, तो गेहूं की फसल में। ये महत्वपूर्ण रोग है जो कि गेहूं की फसल में होते हैं, ये आपको याद करना होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, ठीक। अब तक नोट्स बना लीजिए, फिर आगे देखिए खैरा रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है। जैसे कि गेहूं में अगर बात की जाए तो फेलेरिस माइनर, करनाल बंट और कंडुआ, ये तीन रोग बहुत बार पूछे गए हैं, बाकी भी पूछे गए हैं लेकिन ये तीनों बहुत बार पूछे गए हैं। हम धान की बात करें तो खैरा रोग, झुलसा रोग और ये सबसे लास्ट में भूरा पर्ण चिंती रोग, ये आपसे बहुत पूछे, ये खैरा, झुलसा और भूरा पर्ण चिंती, ये बहुत बार पूछा गया है, बाकी भी पूछे गए हैं। तो खैरा रोग, झुलसा रोग, फुदका रोग, गंधी बग रोग और भूरा पर्ण चिंती रोग, ये किस फसल में होते हैं, ये धान की फसल से संबंधित रोग है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए टिक्का रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक्का रोग किस फसल में, तो टिक्का रोग जो है मूंगफली की फसल में ये रोग होता है। पनामा रोग या वंची टॉप रोग, पनामा रोग या वंची टॉप रोग केला में होता है ये रोग, ठीक। आगे देखिए ये तीन रोग हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। अगेती अंगमारी रोग, इसे बोलते हैं अगेती अंगमारी रोग या ब्लैक हर्ट रोग या व्हाइट बर्ड रोग, ये तीन रोग हैं, अगेती अंगमारी, ब्लैक हर्ट, व्हाइट बर्ड, ये तीनों रोग आलू में होते हैं, आलू की फसल से संबंधित है। आगे देखिए जरा आप बढ़ जाइए, ये नेक्स्ट कॉलम में आइए, मार्स रोग मटर में होता है, मार्स रोग किससे संबंधित है, मटर से है। आगे देखिए हर राट रोग चुकंदर, रेड राट रोग गन्ना, ये रेड राट का मतलब हो गया लाल सड़न, रेड लिखा है ना,
लाल सड़न रोग, गन्ना आपने देखा होगा गन्ने में, क्योंकि बीच में देखिए वो लाल लाल सा निशान आपको मिलता है गन्ने के बीचों बीच में, वो लाल लाल सा हो जाता है, वो एक तरह का रोग है, तो उसे बोलते हैं लाल सड़न रोग। रेड राट रोग गन्ना में हो गया। ब्राउनिंग रोग फूल गोभी से संबंधित है। डाईबैक रोग नींबू, डाईबैक नींबू के लिए। नेक्रोसिस रोग किस फसल में पाया जाता है? नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस आंवला फसल में ये रोग होता है। कोटर स्टॉप रोग गाजर, कोटर स्टॉप रोग गाजर में होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, हरित बाली रोग बाजरा, हरित बाली रोग बाजरा। अग्नि नीरजा रोग, अग्नि नीरजा रोग ये देखिए सेब में। स्पांजी रोग आम, स्पांजी रोग किस में होता है? आम। अब देखिए ये चीज़ें आप याद कर लीजिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप देखिए लाल सड़न, तो गन्ने में आपने देखा कि लाल सड़न। मासे मार्स, मासे मटर, मार्स मटर में हो गया आपका, है कि नहीं। आगे देखिए कोटर स्टॉप रोग गाजर, गाजर को हम कैसे खाते हैं? कट कट कट, तो कोटर कोटर काट काट के, कोटर कोटर कटर कटर, कैसे खाते गाजर हम? काट के कटर कटर, तो कोटर स्टॉप रोग गाजर हो गया, याद कर लीजिए। स्पांजी, स्पांजी मतलब दबाना, स्पांजी ऐसे कर लीजिए आप, इसको कल्पना कर लीजिए स्पांजी, आम को हम दबा दबा के स्पंज करके खाते हैं, तो स्पांजी रोग किसमें हो गया? आम हो गया आपका, ठीक है ना। अग्नि नीरजा रोग सेब, सेब सेब के दाम में आग लगे हैं, सेब का इतना रेट है कि सेब के रेट में आग लगी हुई भैया, तो अग्नि नीरजा रोग वो सेब में हो गया। ऐसे करके आप स्वतः खुद क्रिएशन कीजिए। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य या किसी भी टीचर का उद्देश्य होना चाहिए कि जो पढ़ने वाला सामने विद्यार्थी हो वो खुद कुछ चीज़ें डेवलप कर सके, खुद की चीज़ें डेवलप कर सके, ये मेरा उद्देश्य है। और आप भी अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को डेवलप कीजिए, अपने अंदर की जो चीज़ें हैं उनको आप बाहर लाइए, और इसी पढ़ाई में आप इनको याद करने के तरीके ढूंढिए। तो ये है, और अब रोग से संबंधित चार पांच लाइनें हैं, चार पांच टॉपिक हैं, वो मैं आपको बता दूं, इसके बाद मैं ये वीडियो आपको ख़त्म करता हूं। साथियों बोर्ड पर आइए, और ये 10 पॉइंट हैं उन्हीं फसल और फसल की बीमारी संबंधित, आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से आपसे बहुत से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक। पहला टॉपिक देखिए आप, वर्ष 1943 में बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण, दुर्भिक्ष का मतलब अकाल, 1943 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था और धान की फसल को बहुत नुकसान हुआ था, तो 1943 में बंगाल में दुर्भिक्ष का कारण धान की फसल में भूरापण चिंती रोग को माना जाता है। ये देखिए भूरापण चिंती रोग, इसकी वजह से धान की फसल चौपट हो गई, और ये बंगाल का बहुत बड़ा अकाल था 1943 में। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व भाग लेता है? क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मैग्नीशियम डाल देंगे आपको, ऑक्सीजन डाल देंगे आपको, और भी तमाम तरह की चीज़ें डाल देंगे आपको, तो इसका सही उत्तर है क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम तत्व भाग लेता है, मैग्नीशियम तत्व की क्लोरोफिल की संरचना में अपना योगदान देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, रानी खेत रोग, ये आपने सुना होगा, मुर्गियों में एक रोग था रानी खेत, उत्तराखंड का एक स्थान है। रानी खेत रोग वायरस जनित है, इसके लिए वायरस यानी विषाणु जिम्मेदार है, ये जीवाणु से नहीं होता, ये विषाणु से होता है, बैक्टीरिया से नहीं होता है, वायरस से होता है, रानी खेत रोग वायरस जनित है, ठीक। इसी तरह से थनैला रोग, ये पशुओं में होता है, थनैला रोग जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया से ये रोग होता है। नेक्स्ट देखिए, पायरिल्ला कीट, ये पायरिल्ला कीट किस फसल में लगता है? तो पायरिल्ला कीट तीन तरह के, ये देखिए कीट आपको, पायरिल्ला कीट, सैनिक कीट और गुलाबी कीट, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, तीन कीट है, तो ये तीनों कीट मैंने यहाँ पे लिख दिए। पायरिल्ला कीट गन्ना में लगता है, सैनिक कीट धान की फसल में लगता है और धान की फसल को नुकसान पहुँचाता है, गुलाबी कीट कपास में लग जाता है और ये कपास के जो ये जो इसकी पैदावार होती है, जो भी इसका बीज आगे बढ़ता है डेवलप होता है उसको ये धीरे धीरे खाता जाता है, ठीक। तो पायरिल्ला कीट गन्ने में, सैनिक कीट धान में, गुलाबी कीट कपास में। आगे नेक्स्ट देखिए, ये बहुत बार पूछा गया है, आलू की अगेती अंगमारी बीमारी, ये अगेती अंगमारी जो इसकी ये जो अगेती अंगमारी रोग है, ये बीमारी कवक के कारण होती है, फंगस के कारण होती है, कवक, उस कवक का नाम अल्टरनेरिया सोलेनाई, यह बीमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई कवक के कारण होती है, ध्यान दीजिए बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, ब्लैक हार्ट रोग आलू में ओटू की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से जो रोग होता है ब्लैक हार्ट रोग बोलते हैं आलू में। और अंतिम पॉइंट 10वां, व्हाइट बर्ड, ये भी आलू का ही रोग है, व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से? जस्ते यानी जिंक की कमी से आलू में होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चीज़ आज की मेरे वीडियो में, मैंने फसल चैप्टर
और फसलों में होने वाले रोग चैप्टर को आज यहाँ पर कंप्लीट किया है। आप इस चैप्टर को अगर पूरा पढ़ लेंगे तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपको, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा साथियों। मैं इसी तरह से अगले वीडियो में पशुओं और उनमें होने वाले रोग, फिर उसके बाद कृषि एक चैप्टर पूरा वहाँ मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत के सभी कृषि विश्वविद्यालयों, भारत का पहले कृषि विश्वविद्यालय, कृषि का GDP में क्या योगदान है, कृषि के क्या साधन हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और बिल्कुल निचोड़ के एकदम फैक्ट, आसान चीज़ें, जितना कि आपको लेखपाल भर्ती की परीक्षा में काम है, ये ध्यान दीजिएगा आप। तो प्लीज़ आप मेरे साथ लगातार बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। और जैसे मैंने बताया है कि यही सिर्फ, ये मेरा क्लास 5 का वीडियो है, यही सिर्फ 5 वीडियो ही नहीं, तमाम तरह की जो GS की वीडियो है आप उनको देखिए, नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही हर एक कंपटीशन के लिए आपके लिए अलग अलग टॉपिक लेके आता रहूँगा। और जो भी छात्र मेरे, जो भी छात्र जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए साथियों। धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही।